हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू डब्लू करियर एकेडमी। मैं धर्मेंद्र सिंह आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ही वाक्य को छह तरह से बोलना, यानी कि एक पॉजिटिव वाक्य को एक नेगेटिव वाक्य कैसे बनाया जाता है, या आप एक वाक्य को एक क्वेश्चन कैसे बना सकते हो, और क्वेश्चन भी सिर्फ यस और नो वाला नहीं जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सके, बल्कि ऐसे क्वेश्चन जिनके स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड्स लगे होते हैं और जिन क्वेश्चंस का आंसर कभी भी यस और नो में नहीं दिया जाता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर इस टाइप के शब्द लगे होते हैं। तो इन सिक्स टाइप के सेंटेंसेस में सबसे पहले हमारे पास होते हैं हमारे स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट हमारा एक वाक्य होता है। वाक्य हमेशा हमारे पास दो तरीके के होते हैं, या तो कोई वाक्य हमारा पॉजिटिव होता है और या कोई वाक्य हमारा नेगेटिव होता है। मतलब जब हम किसी बात को अगर पॉजिटिवली बोलते हैं तब वो कहलाता है हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट, और जब किसी बात को हम लोग नेगेटिवली बोलते हैं तब वो कहलाता है हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट। जैसे अगर मैंने बोला आई एम फ्री, मैं फ्री हूँ, तो ये हमारा कैसा स्टेटमेंट है? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। और अगर मैंने बोला आई एम नॉट फ्री, तो ये कैसा स्टेटमेंट है? हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट। तो जैसे कि हमें सबको मालूम है कि एक स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें जिन जिन शब्दों की ज़रूरत पड़ती है उनमें सबसे पहले नंबर पे होता है हमारे पास एक सब्जेक्ट। क्या होता है हमारे पास? एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो शब्द हम लोग लगाते हैं वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो शब्द आते हैं वो क्या होती है? हमारी मेन वर्ब्स और या प्रीपोजिशन। और लास्ट में क्या लगाते हैं हम लोग? हमेशा एक ऑब्जेक्ट। ये कैसा स्टेटमेंट है? हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को एक नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। ध्यान रखना, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक नॉट लगा देना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि नॉट कहाँ लगना चाहिए। ध्यान रखना, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए नॉट हमेशा लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। किसके तुरंत बाद? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। यानी कि अगर मैं इसमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अगर मैं क्या लगा दूं, इसमें एक नॉट लगा दूं, तो यही स्टेटमेंट हमारा क्या बन जाता है? एक नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाता है। आप दोनों ही स्टेटमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर है? एक नॉट का, और वो भी नॉट कहाँ लगा हुआ है? हमेशा हमारे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कैसी रहती हैं, जैसे इज, आर और एम। तो जब अगर हेल्पिंग वर्ब अगर हमारी इज, आर और एम होगी तो हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से स्टार्ट होंगे, इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट। जैसे हेल्पिंग वर्ब अगर हमारी होंगी वॉज या वर, तो स्टेटमेंट कैसा बनेगा हमारा नेगेटिव? या तो वॉज नॉट और या वर नॉट। जैसे हेल्पिंग वर्ब अगर हमारी विल और शैल होंगी तो विल नॉट या शैल नॉट। जैसे डू या डज होंगी तो डू नॉट या डज नॉट। जैसे डिड होगा तो डिड नॉट, या इसके अलावा जैसे कि हैज नॉट, हैव नॉट, या इसके अलावा कैन नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट, शुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट या मस्ट नॉट। इस तरीके से होते हैं हमारे ये नेगेटिव स्टेटमेंट। क्या करना है हमें? सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में एक नॉट लगा देना है हमें, किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। अब जैसे ये होते हैं हमारे पास दो स्टेटमेंट। क्या होते हैं हमारे पास? ये दो स्टेटमेंट। ऐसे ही हमारे पास होते हैं क्वेश्चंस। क्या होते हैं हमारे पास? क्वेश्चंस भी होते हैं। और सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे यस और नो वाले क्वेश्चन। ये हमारे पास क्या है? ये दोनों ही स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट। और क्या होते हैं हमारे पास? क्वेश्चंस। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस ऑफ यस और नो, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हमेशा दिया जाता है यस और नो में। जैसे मैंने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर या तो हाँ में दोगे और या ना में, दैट यस आई स्पीक इंग्लिश और नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, कि हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ और नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। तो ध्यान रखना, जैसे हमारे पास स्टेटमेंट दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे ही हमारे पास यस और नो वाले क्वेश्चंस भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे क्या आप मुझे जानते हो, क्या आप मुझे नहीं जानते हो, क्या आज आप फ्री हो, क्या आज आप फ्री
नहीं हो, तो ये कैसे क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चंस ऑफ यस और नो। क्या आते हैं हमारे पास सेकंड नंबर पे, क्वेश्चंस ऑफ यस और नो, क्वेश्चंस ऑफ यस और नो। और ये भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, या तो पॉजिटिव और या निगेटिव। सबसे पहले नंबर पे होता है हमारे पास एक पॉजिटिव क्वेश्चन और दूसरे नंबर पे होता है हमारे पास एक नेगेटिव क्वेश्चन। जैसे हम लोग एक स्टेटमेंट को पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते हैं, ऐसे ही हम लोग एक क्वेश्चन को भी पॉजिटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हमने एक स्टेटमेंट को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से क्या बनाया, एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनाया, ऐसे ही एक स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए जरा, अगर मैं एक स्टेटमेंट में क्या करूं, एक हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं, क्या करूं, अगर मैं एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं, यानी के अगर मैं पहले हेल्पिंग वर्ब ले आऊं, क्या करूं, अगर मैं पहले हेल्पिंग वर्ब ले आऊं और बाद में सब्जेक्ट को रखूं और बाकी पूरा सेंटेंस सेम रखूं अगर, तो यही बन जाता है हमारा एक क्वेश्चन। ध्यान रखना, आपको एक स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक क्वेश्चन। जैसे हमने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनाया, ऐसे हम लोग एक पॉजिटिव क्वेश्चन को भी क्या बना सकते हैं, एक नेगेटिव क्वेश्चन, क्या करके, सिर्फ और सिर्फ नॉट लगा के। स्टेटमेंट में नॉट लगता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, लेकिन क्वेश्चन में नॉट लगना चाहिए हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद। इसका मतलब अगर मैं एक यस और नो वाले पॉजिटिव क्वेश्चन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर क्या लगा दूं, एक नॉट लगा दूं, और बाकी पूरा अगर मैं इसको सेम रखूं, तो यही क्वेश्चन आपका पॉजिटिव क्वेश्चन से बन जाता है एक नेगेटिव क्वेश्चन। क्या किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा दिया, एक नॉट लगा दिया। तो ये होते हैं हमारे पास कौन से, क्वेश्चंस ऑफ यस और नो। तो एक, दो, तीन, चार, लेकिन अभी भी हमारे पास दो बचे हैं, और ये दो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें क्या लग जाते हैं, जब कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लग जाते हैं, जैसे व्हाई, जैसे हाउ, जैसे व्हेन, जैसे इसके अलावा वेयर, या इसके अलावा जैसे कि, इसके अलावा जैसे व्हाट, क्या लग जाता है, जब व्हाट लग जाता है, या इसके अलावा जैसे कि हु लग जाता है, या इसके अलावा जैसे कि हुम लग जाता है, या इसके अलावा जैसे कि विच लग जाता है। तो जब किसी क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन वर्ड लग जाते हैं, तब उन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग यस और नो में नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो हमसे कुछ डिफरेंट ही पूछते हैं। जैसे जिस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में अगर वाई लग जाता है, तब वो हमसे हमारे काम करने का कारण यानी के रीज़न पूछता है कि क्यों और क्यों नहीं। जैसे जिस क्वेश्चन में अगर हाउ लग जाता है, तो वो हमसे हमारे काम करने का मैनर यानी के तरीका पूछता है कि कैसे और कैसे नहीं। जैसे जिस क्वेश्चन में अगर व्हेन लग जाता है, तब वो हमसे हमारे काम करने का समय पूछता है कि कब और कब नहीं। जैसे अगर वेयर लग जाता है, तब वो हमसे हमारे काम करने का प्लेस पूछता है कि कोई भी काम आप कहाँ करते हो और कहाँ नहीं करते हो। जैसे जिस क्वेश्चन में अगर व्हाट लग जाता है, तो वो हमसे डायरेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है कि आप क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। जैसे हु हमसे ये पता करवाता है कि काम कौन करता है यानी के सब्जेक्ट का पता करवाता है, और हुम हमसे ऑब्जेक्ट का पता करवाता है कि काम कौन व्यक्ति पर किया जाता है या किस व्यक्ति पर किया जाता है। और ऐसे ही विच भी हमसे सब्जेक्ट पूछता है कि कौन सी नॉन लिविंग थिंग जो है वो उस काम को करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे कहलाते हैं क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। तो जैसे हमने क्या किया, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनाया नॉट लगाकर, फिर हमने क्या किया, अगर हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, तब क्या बना हमारा एक क्वेश्चन। और जब हमने इस क्वेश्चन में अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक नॉट लगा दिया, तब ये बना हमारा एक नेगेटिव क्वेश्चन।
अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है अगर आपको यस और नो वाले क्वेश्चन बनाने आते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यस और नो वाले क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में, कहाँ पर यस और नो वाले क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर मैं कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा दूं, तब ये बन जाते हैं हमारे क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। देखो क्या करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लगा दूंगा। पॉजिटिव में लगाऊंगा तो पॉजिटिव क्वेश्चन वर्ड बनेगा, और नेगेटिव के स्टार्टिंग में लगाऊंगा तो कैसा बनेगा आपका, एक नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड बनेगा। देखो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन वर्ड लगा दिया और बाकी पूरा ये मैं सेम छाप रहा हूँ यहाँ पे। देखो क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या है हमारा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखो क्या किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ एक यस और नो वाले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या लगा दिया, एक क्वेश्चन वर्ड। पॉजिटिव में लगा दिया तो पॉजिटिव क्वेश्चन वर्ड बना, और नेगेटिव के स्टार्टिंग में लगा दूं तो नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड बन जाता है आपका। और या आप क्या कर सकते हो, एक पॉजिटिव क्वेश्चन वर्ड में अगर मैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर नॉट लगा दूं, तो यह भी आपका जो है क्या बन जाता है, आपका एक नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड। देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या करना है मुझे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सिर्फ और सिर्फ एक नॉट लगा देना है, और बाकी पूरा क्या रखना है इसको सेम, तब ये बन जाता है हमारा एक नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक ही वाक्य को छह तरीके से बना सकते हैं। कैसे, सबसे पहले एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट मैंने हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दिया तो क्या बन गया हमारा, ये नेगेटिव स्टेटमेंट। और अगर मैंने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, तब क्या बन गया हमारा, एक ये क्वेश्चन। और अगर मैंने इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक नॉट लगा दिया, तब बन गया हमारा ये नेगेटिव क्वेश्चन। और इन्हीं यस और नो वाले क्वेश्चन के अगर मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया एक क्वेश्चन वर्ड, पॉजिटिव के स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव क्वेश्चन वर्ड, और नेगेटिव के स्टार्टिंग में तो एक नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड। अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स लेके कि एक ही वाक्य को आप छह तरीके से कैसे बोल सकते हो। आई कैन प्ले गिटार, हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्या करना है मुझे, इसको नेगेटिव बनाना है। कैसे बनाते हैं नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद एक नॉट लगा के। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, इसमें कैन। तो अगर मैं इसमें कैन के तुरंत बाद अगर क्या लगा दूं, नॉट लगा दूं और बाकी पूरा सेम रखूं, तो यही बन जाएगा हमारा एक नेगेटिव स्टेटमेंट। और इसी स्टेटमेंट को मैंने क्या बताया कि हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं यस और नो वाला, क्या करके, सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को इंटरचेंज करके। देखो क्या करूं, अगर मैं इसमें कैन को पहले ले आऊं और आई को अगर बाद में रख दूं, तो यही बन जाता है हमारा एक क्वेश्चन। क्या बनेगा आपका, कैन आई प्ले गिटार, क्या मैं गिटार बजा सकता हूं। और अगर मैं इसी एक क्वेश्चन में अगर मैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर नॉट लगा दूं, तब यही बन जाता है हमारा एक नेगेटिव क्वेश्चन, यानी कि कैन आई नॉट प्ले गिटार। और अगर मैं यस और नो वाले क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में अगर मैं एक क्वेश्चन वर्ड लगा दूं, तो यही बन जाते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा दो, जैसे देखो अगर मैं हाउ लगा दूंगा, स्टार्टिंग में लगा रहा हूं, ध्यान रखना ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, ये हाउ कैन आई प्ले गिटार, कि मैं गिटार जो है वो कैसे बजा सकता हूँ। और नेगेटिव में लगा दो तो नेगेटिव वाला बन जाएगा, या फिर इसी में ही आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दो, तो आपका ये नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, हाउ कैन आई नॉट प्ले गिटार, हाउ कैन आई नॉट प्ले गिटार। एक ही वाक्य को कितने तरीके से, छह तरीके से बोलना। जैसे देखो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, मैंने यहां पे एक और एग्जांपल लिया, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, इज आर एम वॉज वर विल शैल या जो भी है ठीक है। जैसे मैंने बोला आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, कि मैंने ताजमहल देखा है, ये आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसे बना सकते हैं हम इसको नेगेटिव, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद एक नॉट लगाकर। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, इसमें हैव, तो अगर मैं इसमें हैव के तुरंत बाद अगर क्या लगा दूं, एक नॉट लगा दूं, तब यही आपका बन जाएगा एक नेगेटिव स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा इसका, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल।
और अगर मैं इसी में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को क्या कर दूं, अगर इंटरचेंज कर दूं, यानी हैव पहले ले आऊं, आई को अगर मैं बाद में कर दूं, तो यही बन जाएगा हमारा एक क्वेश्चन, हैव आई सीन द ताजमहल। क्या बनेगा? हैव आई सीन द ताजमहल, क्या मैंने ताजमहल देखा है। और इसी में पॉजिटिव क्वेश्चन में अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर नॉट लगा दूं, तो ये बन जाता है हमारा एक नेगेटिव क्वेश्चन, हैव आई नॉट सीन द ताजमहल, क्या मैंने ताजमहल नहीं देखा है। और एनी यस और नो वाले क्वेश्चंस के अगर आप स्टार्टिंग में अगर एक क्वेश्चन वर्ड लगा दोगे, तो यही आपके बन जाते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन। कोई भी लगा सकता हूं, देखो व्हेन लगा दूं, तो व्हेन अगर मैंने स्टार्टिंग में लगाया तो क्या बनेगा, व्हेन हैव आई सीन द ताजमहल, क्या बनेगा आपका इसका, व्हेन हैव आई सीन द ताजमहल। ध्यान रखना मैंने कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया, तीसरे वाले स्टेटमेंट में सिर्फ क्या लगा दिया, मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन वर्ड लगा दिया है, हैव आई सीन द ताजमहल। और अगर मैं इसी में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दूं, या चौथे वाले के स्टार्टिंग में अगर आप एक क्वेश्चन वर्ड लगा दो, तो हमारा छठवां वाला बनता है व्हेन, स्टार्टिंग में लगा दिया, हैव आई नॉट सीन द ताजमहल, व्हेन हैव आई नॉट सीन द ताजमहल, When have I not seen the Taj Mahal? इस तरीके से एक ही वाक्य को छह तरीके से बोलना। देखो एक लास्ट एग्जाम्पल देके मैं आपको और समझा रहा हूँ यहाँ पे कि आप एक ही एग्जाम्पल को किस तरीके से बोल सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, जैसे मैंने बोला she was there, ये आपका एक स्टेटमेंट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे आपकी, was। तो इसके तुरंत बाद नॉट लगा दूं मैं, तो क्या बन जाएगा आपका ये कि नेगेटिव स्टेटमेंट, कैसे हो जाएगा आपका, शी वॉज नॉट देयर, शी वॉज नॉट देयर। इन दोनों को चेंज कर दो, शी वॉज है तो क्या हो जाएगा इसका, वॉज शी, क्या हो जाएगा, वॉज शी देयर। और या इसके अलावा अगर मैं इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दूं, तो क्या बन जाएगा आपका एक ये नेगेटिव क्वेश्चन, वॉज शी नॉट देयर, क्या वो वहां नहीं थी। और अगर मैं तीसरे और चौथे के स्टार्टिंग में कोई एक क्वेश्चन वर्ड लगा दूं, जैसे कि यहाँ पे, जैसे मैं व्हेन लगा सकता हूँ यहाँ पे, देखो तो क्या बोलूँगा यहाँ पे, व्हेन वॉज शी देयर, व्हेन वॉज शी देयर। और अगर चौथे वाले के स्टार्टिंग में लगाओगे तो क्या बनेगा, छठवां वाला, यानी कि व्हेन वॉज शी नॉट देयर, क्या वो वहाँ नहीं थी, या जो भी है वो वहाँ कब थी और वो वहाँ कब नहीं थी। एक ही वाक्य को कितने तरीके से, छह तरीके से बोलना। ध्यान रखना कि एक वाक्य को हम लोग एक क्वेश्चन बड़े आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को इंटरचेंज करके। देखो अगर कोई वाक्य अगर आपका ही इज से शुरू होगा, तो इसका क्वेश्चन हमेशा ही इसका क्या हो जाएगा, इज ही से स्टार्ट होगा। अगर आपका कोई वाक्य शी इज से स्टार्ट होगा, तो शी इज का क्वेश्चन क्या बनेगा, इज शी से स्टार्ट होगा। सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं, देखो यहां पे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को इंटरचेंज कर दे रहा हूं। अगर कोई वाक्य आपका इट इज से स्टार्ट होगा, तो इसका क्वेश्चन जो है इट इज का क्या हो जाएगा, इज इट से स्टार्ट होगा। कोई वाक्य अगर आपका यू आर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, यू आर का आर यू से स्टार्ट होगा। जैसे अगर आपका कोई भी वाक्य अगर वी आर से स्टार्ट हो रहा है, तो वी आर का क्या हो जाएगा, आर वी। जैसे दे आर का क्या हो जाएगा, आर दे। और जैसे आई एम है, इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, एम आई। जैसे अगर कोई क्वेश्चन अगर ही कैन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, कैन ही। जैसे अगर कोई स्टेटमेंट अगर आपका स्टार्ट हो रहा है वी शुड से, तो इसका क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, वी शुड का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट शुड वी। तो यानी कि एक वाक्य में अगर मैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजिशन को इंटरचेंज कर दूं, तो यही बन जाता है हमारा एक क्वेश्चन, क्या बन जाता है हमारा एक क्वेश्चन। और इस तरीके से हम लोग जो है एक ही वाक्य को बोल सकते हैं छह तरह से। मैं देखो आपको एक लास्ट एग्जांपल डायरेक्टली बोल के बताता हूं कि किस तरीके से, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर करके जो है एक ही वाक्य को छह तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला द कॉफी इज हॉट, द कॉफी इज हॉट, इसमें देखो इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगा दो, द कॉफी इज नॉट हॉट। और अगर मैं इसमें देखो द कॉफी इज है, मैं इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दूं, द कॉफी इज ना बोल के इज द कॉफी बोलूं, तो यही आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, इज द कॉफी हॉट।
और इसमें अगर मैं द कॉफी यानी सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट लगा दूं, इज द कॉफी नॉट हॉट, तो यही बन जाता है हमारा एक कैसा नेगेटिव क्वेश्चन। और ये जो इज द कॉफी हॉट है, इसमें आप इज के पहले कोई एक क्वेश्चन वर्ड लगा दो, व्हाई इज द कॉफी हॉट और व्हाई इज द कॉफी नॉट हॉट। जैसे हाउ लगा दूंगा तो हाउ इज द कॉफी हॉट और हाउ इज द कॉफी नॉट हॉट, जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं एक ही वाक्य को छह तरह से। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ एग्जांपल्स यानी पॉजिटिव एग्जांपल्स दे रहा हूँ, सभी मिक्स करके आप क्या करना, घर पे बैठो और उस हर एक एग्जांपल को इसी तरीके से छह तरीके से लिख कर देखो और साथ ही साथ उनको बोल कर देखो कि एक ही एग्जांपल को हम लोग जो है वो छह तरीके से कैसे बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर